अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद हिना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आप लोगों से मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं बनाने लगी थी मैकरोनी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, यहाँ पर गाजरें लिए हैं, मटर लिए हैं और एल्बो साइज़ में मैकरोनी लिए है। बाकी चीज़ें जो इसमें स्पाइसिस वगैरह डलेंगे वो, तो यहाँ पर मैं करने लगी थी मैकरोनी के बॉयल। इस पे मैंने एक चम्मच ऑयल, एक से डेढ़ चम्मच ऑयल डाल दिया है और एक डेढ़ चम्मच सिरके का डाल दिया और नमक डाल दिया। सिरका और यानी कि घी डालने से ये होगा कि आप लोगों के साथ ना ये चिपक जाती है ना मैकरोनी, ये चिपकेगी नहीं साथ। तो यहाँ पे मैं बॉयल कर रही हूँ मैकरोनी और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया। तो मैं फ्राइज़ बना रही हूँ जो मैंने मैकरोनी में डालने हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं फ्राइज़। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इनको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को पहले मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया था क्योंकि जल्दी गलते नहीं, तो वैसे मैंने हल्का सा उनको फ्राई कर लिया था और गाजरों को भी मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने डाल दिया चिकन। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजरें डालनी इसमें। अब लोगों ने कोशिश करनी है मैकरोनी बनाते वक्त यानी कि जो भी सब्ज़ी डालनी है वो एक ही यानी कि इक्वल साइज़ में जिस तरह काटनी है, या ना कि कोई गोल काट लें और कोई लंबी काट लें। तो यहाँ पे मैंने गाजरें डाल दी हैं और गाजरों को पहले मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। वैसे भी आजकल यानी गाजरें जो आ रहे हैं जल्दी गलती नहीं है, तो आप लोग भी पहले थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें या बॉयल कर लें तो इससे जल्दी गल जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनको दोनों को फ्राई। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं मटर। मटर को मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, तो अब इनको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा इनको पकाती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया है और सिरका मैंने डाल दूँगी, सोया सॉस, केचप और यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस के। आप लोग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो हम लोगों ने इतना ही डाला था, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर मैंने सिरका डाल दिया 2 चम्मच तकरीबन। इसके अलावा इसमें नमक मैं डाल दूँगी हसबे जायका और केचप 1-2 चम्मच, उससे यानी कि इन चीज़ों से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैकरोनी का। और यहाँ पे अब मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। केचप मैं तकरीबन इसमें 2 चम्मच डाल दूँगी और अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि यानी कि जो मैंने स्पाइसी डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
यहाँ पे मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था। मैक्रोनी मैंने एल्बो साइज़ की ली है, वो ज़्यादा मज़े की बनती है बनिस्बत दूसरी के। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो ये यहाँ बन गई है मैक्रोनी, तो यह है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।